तो हमारे ई एन नेट चैनल में आज की वीडियो में बताएंगे कि आप अपना मोबीक्विक वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर ट्रिक कैसे कर सकते हैं, मतलब कि मोबीक्विक जो बैलेंस है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए तो टेलीग्राम चैनल को मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लेटेस्ट ट्रिक और लेटेस्ट ऑफर देखने को आपको मिलते रहते हैं। तो फटाक से जाइए और टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं कि अपना मोबीक्विक का जो बैलेंस है उसको आप कैसे निकालेंगे, इंस्टेंट निकाल पाएंगे। और इसके लिए आपको कोई भी विदाउट फास्टैग, मतलब कि यहाँ पे आपको फास्टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट फास्टैग निकाल सकते हैं। और ये जो ट्रिक है ये 100% जेन्युइन एंड न्यू ट्रिक है। तो आपको यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो इंस्टेंट विदाउट होगा डायरेक्टली आपके अकाउंट में या पेटीएम नंबर पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वेबसाइट एंड ऐप दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करिएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद केवाईसी कैसे करना है ये भी मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, तो पूरा प्रोसेस समझ के जाइएगा। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसमें आपको करना क्या है। तो सिंपल से आपको इसमें आपको बहुत से प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं, बट आपको यहाँ पे सिर्फ ओनली एक प्रोडक्ट ध्यान देना है, कोर्स वाले पे, CORSE कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मिल जाएगा। आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कोर्स के नाम पे यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ हम यही प्रोडक्ट को ही लेंगे, क्योंकि हम जो ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक को आप समझिए, उसके बाद ही जाके इस ऑफर को अप्लाई करिए। अगर आप वेबसाइट पे हैं तो कैसे आपको इंटरफेस आएगा वो भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वेबसाइट ebook.in। इस पे भी अगर आप आएंगे और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कोर्स का सेक्शन देखने को मिलेगा, जो आपको देखिए लास्ट में आपको देखने को मिलना है। ये देखिए इस टाइप का आपको देखने को मिलना है। मैं बार बार कोर्स की क्यों बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोई को कोर्स आपको बाय करना है, बट क्यों बाय करना है मैं आपको बता दूँ कि यदि आप यहाँ से कोर्स बाय करते हैं तो बाय करने के बाद आपको यहाँ पे इनका एक ऑफर समझ लीजिए, ये एक एज अ ट्रिक समझ लीजिए, कि जिससे आप जैसे बाय करेंगे, बाय करने के बाद ऑटोमेटिकली जो आपका अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पहुँच जाता है, वो भी उसमें 94% आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आता है या जो पेटीएम नंबर देते उस पर आता है। तो अभी मैं लास्ट में पूरा बताऊंगा आपको, बट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूँ पहले कि इस वेबसाइट पे हम क्यों और कैसे काम करेंगे। तो कोर्स वाले सेक्शन में आते हैं। तो जैसे मान लो मुझे 1000 रुपये बैलेंस निकालना है, तो 1000 रुपये बैलेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पे 1000 रुपये वाला जो कोर्स है उसको बाय करूँगा। इस पर दो फायदा है, एक तो आपको कोर्स फ्री मिल जाएगा, यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा फायदा, आपका बैलेंस भी आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा, बस इसमें 6% चार्ज कटता है, जो मैंने आपको क्लियर मेंशन कर दिया है। अब आपको यहाँ पे ये 6% चार्ज क्यों कट रहा है, क्योंकि इंस्टेंट आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। बाकी अगर कहीं करते हैं तो इंस्टेंट नहीं आता, बाकी ये ट्रस्टेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आपको 1000 रुपये मान लीजिए ट्रांसफर करना है, तो 1000 रुपये क्लिक करेंगे और 1000 ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि जैसे हम अमेजॉन पे जाते हैं, एड मनी करते हैं और बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो उसी तरीके से इस पर भी आना है, और यहाँ पर भी आपको एक वॉलेट का ऑप्शन है, कहाँ मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे देखिए 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिला है ऐप पे, मैं इस समय हूँ। और जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आपको यहाँ पे एक वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो वॉलेट में पहले हम ऐड मनी कर लेते हैं। ऐड मनी हम किससे करेंगे, तो ऐड मनी अपने मोबी की वॉलेट से करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे, आने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 1000, या फिर आप जितना भी ऐड मनी करना चाहते हैं, लेकिन आप मिनिमम 1000 रुपये ही प्रोडक्ट आप बाय करेंगे। अगर आपके मोबी की वॉलेट में 300 पड़े हैं तो आप किसी अदर वॉलेट से भी ऐड मनी करके पूरा 1000 इसमें कर लीजिए। तो अभी मैं 1000 आपको ऐड मनी करके दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ के साथ, कि इसमें ऐड मनी होता है कि नहीं होता, जिससे आपको ट्रस्ट हो जाए। यहाँ पर रिजर्व पेमेंट सबसे ट्रस्टेड ब्रांड यहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। वॉलेट वाले सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो जस्ट अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉलेट का, तो बस वॉलेट वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं और जस्ट मैं पेमेंट यहाँ से कर देता हूँ। और जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, तो फ्रेंड्स बैलेंस मेरा ऐड हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाते हैं कि आपको परचेज कैसे करना है। तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और वही कोर्स वाले सेक्शन में आपको पहुंच जाना है। तो यहाँ पे आपको कोर्स का सेक्शन मिला है, इसी सेक्शन में आपको आना है और अदर सेक्शन में आपको नहीं जाना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब जो मैं प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उसी को आपको बाय करना है, जिसपे मैं आपका जो पेमेंट है वो डायरेक्टली जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक के थ्रू। अभी आपको क्या करना है, जस्ट मैंने यहाँ पे 1000 रुपये ऐड किया, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पे ऐड मनी, मतलब कि एज अ प्रोडक्ट मैं बाय करूँगा 1000 का। तो यहाँ पे मैं चेकआउट वाले सेक्शन में क्लिक करता हूँ और यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट वाले सेक्शन में क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और जस्ट आपका जो ऑर्डर होगा वो डायरेक्टली आपके जो वॉलेट में बैलेंस था उससे कट गया, और डायरेक्ट वॉलेट से बैलेंस कट गया, देख सकते हैं योर ऑर्डर हैज़ बीन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हो गया। अब आपने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है, अब ये जो बैलेंस है ये इंस्टेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। कैसे आता है, तो चलिए मैं आपको इसके लिए केवाईसी प्रोसेस बता देते हैं कि आप इसमें कैसे केवाईसी करेंगे और कहाँ कहाँ आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह कैसे देंगे, इतना चीज़ आपको समझ आ गई। तो अभी हम आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं पेमेंट मेरे में आया नहीं है। तो फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ पे मेरा 1520 रुपये थे और यहाँ पे मैंने 1000 रुपये मेरा यहाँ पे डेबिट हो चुका है, मतलब 1000 रुपये यहाँ से कट गया, मतलब 1000 रुपये मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय किया। अब जो बाय किया वो डायरेक्टली मेरा जो अमाउंट है वो 94% अमाउंट, मतलब 94% मेरा डायरेक्टली मेरा रिफंड कर दिया जाए एज अ कैशबैक के रूप में। पेटीएम पेमेंट बैंक हो या फिर कोई बैंक हो, सभी बैंक आपके यहाँ पे अवेलेबल है। पेटीएम नंबर देंगे तो उस पर भी आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जाकर आप देख भी सकते हैं कि जो आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ, जब सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ही आपका जो पेमेंट है वो आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तीसरा शिफ्ट होगा और चौथा डिलीवर हो जाएगा। जैसे ही डिलीवर होगा मतलब वैसे मेरा जो अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सिंपल से इनका ऐसा कॉन्सेप्ट है और इस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने इस पर कई वीडियो भी बना चुके हैं ऑलरेडी, तो ट्रस्टेड ब्रांड है। तो फटाक से अब आगे का प्रोसेस देखिए और केवाईसी कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। समझने के बाद जस्ट आप जाइए और इस टाइप से आपको ऐड मनी करना है वॉलेट में, ऐड मनी करने के बाद और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने आपको रिकमेंड किया 3 प्रोडक्ट, बाकी 1000 रुपये निकालना, 5 निकालना, 10 निकालना है, तीनों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और आप निकाल सकते हैं। 1000 रुपये से कम नहीं निकाल सकते। हाँ, आपके पास अदर ऑप्शन भी है कि जैसे मान लीजिए आपको 1000 रुपये कम है आपकी वॉलेट में, तो आप क्या करेंगे उसमें से निकाल लीजिएगा, बाकी अदर वॉलेट से आप क्रेडिट कार्ड है या किसी से भी करके उसको पूरे 1000 रुपये में ऐड करके फिर आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। इस टाइप आप कर सकते हैं।
चलिए आगे का वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को मत ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं ब्लू टिक आ गया, इसके मतलब कि यहाँ पे स्विफ्ट डिपोजिट डिलीवर भी हो चुका है। ठीक है, पेमेंट प्रूफ भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेमेंट प्रूफ भी देख सकते हैं आपको कि आपको इस टाइप से आपको यहाँ पे एनी ग्रो के नाम से फ्रॉम एनी ग्रो के नाम से यहाँ पे कैशबैक आएगा। और यहाँ पे 940 रुपये क्यों आएगा, मैंने आपको बताया था 6% आपका चार्ज करता है और डायरेक्टली पूरा पैसा आपको यहाँ पे एज अ कैशबैक रूप में रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, 24 आवर्स का समय लगता है, कभी कभी इंस्टेंट भी आ जाता है, तो आपको यहाँ पे 24 आवर्स तक वेट करना है, उसके बाद ही जाकर आपको परेशान होना है। वैसे 24 आवर्स लगता नहीं, कम से कम टाइम में आपके वॉलेट में या आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद जस्ट अभी आपको अपना यहाँ पे नेम डालना है, फुल नेम डालिएगा, कंट्री में आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब कि +91 ये हमारा कंट्री कोड है, ये सिलेक्ट रहने दीजिएगा। साथ ही साथ मोबाइल नंबर आपको डाल देना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद जस्ट आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, पिन कोड डालना होगा, इनवाइट कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख रखा हूँ, उस इनवाइट कोड को भी आपको डाल देना। अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे तो अभी आपको यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रांजेक्शन पर आपको कुछ यहाँ पे अमाउंट मिलेगा, जो एज आप कैशबैक अमाउंट भी समझ सकते हैं या बोनस भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना जो लेजी पे बैलेंस उसको भी ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए अब आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स जैसे आप कंटिन्यू वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो जस्ट अभी आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी गया होगा, तो ओटीपी डालिएगा, वेरीफाई एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स यहां पे मेरा ओटीपी आ चुका, मैं यहां पे ओटीपी फिलअप कर देता हूं, फिलअप करने के बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन में क्लिक कर देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे केवाईसी करना होगा। विदाउट केवाईसी आप अपने बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे केवाईसी करना मस्ट है। तो आप केवाईसी करने के लिए आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए, जो इंस्टेंट आपकी केवाईसी हो जाती है। इसमें सिंपल से आपका आधार कार्ड नंबर लगता है और पैन कार्ड नंबर लगता है। यहाँ पे आपको एक बैनर देखने को मिला, इस बैनर वाले सेक्शन में क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है कंप्लीट योर केवाईसी, इस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट अभी आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना डालना होगा। डालने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। अब आप पूछेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा, तो जो अभी आप साइनअप कर रहे थे जो मोबाइल नंबर अपना डाले, तो वही सेम एज अ मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे जस्ट आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालिएगा। डालने के बाद लॉगिन वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन का एज अ बटन देखने को मिला, इस पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना होगा, जो एज आपके आधार कार्ड में होगा, अपना फादर नेम डालना होगा, और आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। साथ ही साथ अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, फीमेल है कि मेल है। यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर डालना होगा, अगर आपके पास पेटीएम नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, एज ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो अपना पेटीएम नंबर डाल दीजिएगा, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा पेटीएम नंबर आपको वही डालना है जो आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि अकाउंट क्रिएट करते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देंगे, जिसका भी डॉक्यूमेंट देंगे उसी का पेटीएम नंबर होना चाहिए, उसी नेम से होना चाहिए। यदि आपके पास उस नेम से पेटीएम नंबर अकाउंट नहीं है तो फिर आप यहाँ पे इस पेटीएम वाले सेक्शन को छोड़ सकते हैं। आगे बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑप्शन आएगा तो बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं, बट ध्यान रखें जिसका भी आप आधार कार्ड देंगे, जो भी आधार कार्ड में नाम होगा, सेम नेम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंडेड कर दिया जाएगा और आपका ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। अब मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूं। आपने पेटीएम नंबर डाल दिया या ऐसा आपने इसको स्किप कर दिया, जस्ट अभी आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना होगा। जो अभी आप साइनअप कर रहे थे जो ईमेल आईडी आपने वहां डाला था, वही सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपको डालना होगा फुल एड्रेस, और सेफ वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएगा। आने के बाद जस्ट अभी आपसे पूछेगा आपका आधार कार्ड नंबर, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर देख के जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक कर देना है, इस पे टिक रहने देना है और आपको सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक करिएगा। फ्रेंड जैसे सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे जस्ट आपसे आपके आधार कार्ड लिंक से जो भी मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना होगा, वेरीफाई ओटीपी वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड जैसे ही आप ओटीपी डाल के वेरीफाई वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे जस्ट अभी आप आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे अभी आपको बताया जाएगा कि आपको अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना होगा, तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना। इंटर करने के बाद सेंड वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। फिर फ्रेंड्स आप आ जाएंगे लास्ट पेज पे, जिस पे आपको अपना अकाउंट डिटेल्स देना, जो भी आपको बैंक आपके पास है उस जिस भी बैंक में आपको पैसे चाहिए वो बैंक अकाउंट आप डिटेल्स यहाँ पे देंगे। बट ध्यान रखिएगा जो भी आधार कार्ड में एज अ नेम है वही सेम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, मतलब सेम नेम आपके आधार कार्ड में आपके इस अकाउंट में और सेम आपका बैंक भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी और का बैंक दे रहे हैं और यहाँ पे आप किसी और के नाम से केवाईसी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि आपका बैंक नाम आधार कार्ड नाम से मैच होना चाहिए, अन्यथा आपका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जस्ट अभी आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, जस्ट आपका बैंक नेम डालना होगा, ठीक है, और यहाँ पे अभी आपको डालना होगा IFSC कोड। ये आपको डालने के बाद सेंड के सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिर से डालना होगा, इंटर करना होगा, सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट अभी आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, डालने के बाद लॉगिन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। फ्रेंड नेक्स्ट अभी आपका जो